नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं मेटल फॉर्मिंग में वायर ड्राइंग। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाई रहती है और यहाँ से शुरुआत में खींचा जाता है, उसके बाद मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर मोटर लपेटते रहता है, आपके वायर के बंडल बन जाते हैं। और कितने अलग अलग साइज के, कितने अलग अलग मेटल के वायर आते हैं दोस्तों। सिंपल लोहे का भी वायर आता है, एल्यूमिनियम का भी, कॉपर का भी, दुनिया भर के वायर बनाते हैं। और यही टेक्निक है, बड़ी सिंपल टेक्निक दिख रही है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इसमें। क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे नीचे वीडियो में आपको इसको लपेट ले रहे हैं, वायर निकाल करके तो इसको लपेट ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा, द मैक्सिमम रिडक्शन दैट कैन बी गिवन टू एनी मटेरियल इन वायर ड्राइंग इन मोस्ट आइडियलिस्टिक कंडीशन इज। दोस्तों मैक्सिमम कितना रिडक्शन किया जा सकता है, एरिया वाइज पूछ रहे हैं दोस्तों, एरिया में कितना रिडक्शन किया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो आपको एक डाई के बाद फिर एक और डाई लगानी पड़ेगी, फिर एक और डाई लगानी पड़ेगी, तीन चार डाई लगा करके फिर आप, अगर आपको ज्यादा डायमीटर कम करना है तो उस हिसाब से आपको कई सारी डाई के थ्रू इसको गुजारना पड़ता है। देखते हैं दोस्तों, जो स्ट्रेस है, ड्रॉइंग स्ट्रेस, वो होता है दोस्तों यील्ड स्ट्रेस इंटू ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन को आप लिख सकते हैं एल एन ए नॉट बाई ए एफ। और दोस्तों इन मोस्ट आइडियल कंडीशन का क्या मतलब है, इलास्टिक लिमिट तक तो आपका मटेरियल वापस आ जाता है। यील्डिंग का मतलब है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो गया है, और मोस्ट आइडियल कंडीशन का मतलब है कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन ही आपका वायर ड्रॉइंग स्ट्रेस हो जाएगा, सिग्मा यील्डिंग के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ये अगर हम ये रख दें तो हमें मिल जाएगा, ये कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा वन इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए एफ। इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं हम, ये बन जाएगा e टू द पावर वन, और मैक्सिमम रिडक्शन क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए फाइनल अपॉन ए नॉट। इसको दोस्तों अलग अलग कर दिया तो ए नॉट करके वन बन गया, और वन माइनस ए एफ बाई ए नॉट, और हमारे पास वैल्यू है ए नॉट बाई ए एफ की e है, तो ए एफ बाई ए नॉट की हो जाएगी वन बाई ई, वन माइनस वन बाई ई। इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों हमने, हमारा उत्तर आ जाएगा 2.718 ई की वैल्यू होती है, 0.6332 यानी 63.2% हम मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हैं एरिया में इन आइडियल कंडीशन। असल में तो इससे कम होगा, अगर आपको ज़्यादा रिडक्शन चाहिए तो जैसा मैंने बताया आप और डाई बढ़ाते जाएंगे और सारी डाई लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वायर ड्राइंग का प्रोसेस, बड़ा ही कॉमन आपके दैनिक जीवन में है, इलेक्ट्रिसिटी में है। धन्यवाद दोस्तों।